साझा कर रहे हैं। लगातार रुझानों में किसी को बढ़त दिखाई दे रही है तो कोई हार की ओर खिंचा चला जा रहा है। लेकिन बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। जहां उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त थी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये कहना था कि वो 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से निकालेगी, लेकिन आज जो रुझान अब तक सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। हम बदायूं की बात करेंगे इस वक्त और हरदोई की बात करेंगे। बदायूं से इस वक्त हमारे साथ प्रताप ठाकुर मौजूद हैं। प्रताप बताइए, क्या कुछ माहौल है आपके जिले में इस वक्त? जी मैम, यहाँ लगातार मतगणना जारी है। आलाधिकारी जो है वो जायजा लेने की बारी बारी से यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतगणना स्थल पर, और मतगणना प्रत्याशी हैं जो कि टक्कर पे हैं इस समय, बीजेपी से दुर्विजय सिंह साक्य और यहाँ समाजवादी पार्टी से आदित्य यादव जी। दोनों में ही काफी अच्छा खासा मुकाबला अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ बीजेपी जो है, अभी बात की जाए ताजा जानकारी के मुताबिक, तो यहाँ बीजेपी लगभग 5000 प्लस वोटों से जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। हरदोई से शिवांशु हमारे साथ जुड़े हैं। शिवांशु, आपके जिले के अपडेट बताइए क्या है? अपडेट मैम, हमारे जिले की जो है ये है कि जयप्रकाश रावत जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी से, जो हमारे लोकसभा 31 के जो प्रत्याशी थे, वो 28,800 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी की जो है उषा वर्मा प्रत्याशी थी, वो 28,800 वोटों से पीछे चल रही है। जहां एक और बात करते हैं बहुजन की, बहुजन जो है काफी ज्यादा जो है पीछे चल रहे हैं, जो हमारे 31 का लोकसभा का वो है रुझान जो हमारे अभी तक। और सुरक्षा व्यवस्था की जो दृष्टिकोण में रखे तो जगह जगह पे जो है चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था आर्मी फोर्स अनिफोर्स भी कर दिया गया है। और मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा, ये मिश्रिक की, मिश्रिक जो हमारा पड़ता है 32 पड़ता है हमारा मिश्रिक, मिश्रिक में भी जो है अशोक रावत जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो है भारतीय जनता पार्टी से ये 29,879 वोटों से आगे चल रहे हैं। जहाँ पर संगीता जी जो है बहुजन से ये 29,889 वोटों से पीछे चल रही हैं। और मैं अभी गया था भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जहाँ पे तैयारियां जोरों शोरों से चालू हो गई थी। ठीक है प्रताप, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैम, देखिए बड़ा ही रोचक यहाँ पर मुकाबला चल रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का ये जो जनपद बदायूं है, समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाला, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रोमांचक स्थिति में भी मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कानून व्यवस्था चाहे जो वो सुरक्षा व्यवस्था हो, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर देखी जा रही है और उसका लोग नियमित लागू कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं उसका। लेकिन मुकाबला है समाजवादी का गढ़ कहा जाने वाला, देखिए उसी अंतराल में, यहाँ कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोनों प्रत्याशियों के बीच। कभी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी आदित्य यादव लैंडिंग कर जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो कभी दुर्विजय सिंह तक आगे पहुंच जाते हैं। अंतर केवल बस 2-4 हजार प्लस वोटों का, मतों का रहता है। 4.5 से ऊपर का समय हो चुका है और कब तक अनुमान है कि जीत की घोषणा हो जाएगी, किस प्रत्याशी की, और किस प्रत्याशी की हार की घोषणा होगी? मैम लगभग यहाँ पर अभी 11 से 12 राउंड खुल चुके हैं और देखने वाली बात यह है, तो लगभग यहाँ पर 7 बजे तक का समय दिया गया है, 27 राउंड बताए जा रहे हैं। जी शिवांशु, आप क्या घोषणा कब तक होने का अनुमान है? यही जो अनुमानित समय दिया गया है वही 7 से 8 दिया गया है। अभी तक जो वोटों की संख्या रही है यह रही है, जो है मिश्रिक की अपडेट में बता रहा हूँ, मिश्रिक में रही है 438,354 वोटों की, और जो है अपने यहाँ की बता रहा हूँ हरदोई प्रॉपर की, वो भी आपको अपडेट में करा दे रहा हूँ मैं कितनी हुई है। हरदोई की जो अभी तक रही है 442,723 वोटों की कुल अभी तक जो है। ठीक है प्रताप, आपके पास और कोई अपडेट बदायूं से? प्रताप, और कोई अपडेट बदायूं से?
प्रताप ठाकुर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, बधाई सर, हरदोई से हमारे पास तमाम अपडेट आ चुके हैं और 7 से 8 बजे तक का समय बताया जा चुका है कि 7 से 8 बजे तक में जीत की घोषणा और हार की घोषणा भी हो जाएगी। अब कुछ ही घंटों का बस और समय बचा है और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिन कार्यकर्ताओं या जिन प्रत्याशियों के जश्न का माहौल चल रहा है वो वाकई शाम के 7 या 8 बजे तक जश्न में ही रहेगा या फिर बाजी कोई और ले जाएगा, बाजी पलट भी सकती है। तो इस घड़ी के लिए आपको इंतजार करना होगा और आप देखते रहिए सी न्यूज भारत, कहीं जाइएगा मत। छोटी से छोटी अपडेट हम सीधे आप तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। तो अचानक रोक करके मारने का क्या रीजन काम किया है? उन्हें से उखनी सब के बता दल कर, तब उखनी वहाँ गड़िया रोक दल कर, करके बसा लगा दल कर, तब कल कर आ यहाँ, तब से उखनी लाठी डंग जब निकाल लल थी, तब जब